हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पिक्चर है, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको ओपन कर लेना अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना होता है, ठीक है। जो भी मैनिपुलेशन हम एडिटिंग करते हैं तो सिंपली हम कर लेंगे। सिंपली जाएंगे कटआउट में, वो टेक्स्ट में आगे कटआउट में चलेंगे और मैं इधर आपको आपने जूम था थोड़ा सा करके ना ये बाल की आप बालों की आप सिलेक्शन देखना किस तरीके से आ जाती है, ठीक है। तो ये देखना खुद ब खुद बहुत ही कमाल की सिलेक्शन होगी और बहुत ही औसम लगेगी। कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर लेनी है और डन कर देने, ठीक। तो ये देखें, हेयर की सिलेक्शन बहुत ही कमाल की हो गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने अपने हेयर्स में जाना है और इधर में जाके इधर से ये कुछ इस तरीके से कर देना, ठीक है, हेयर्स को अब हनाइट इस तरीके से, ठीक है, सेट है। तो इधर से इसको पेंट कर देना है, ये इधर से रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने सेट कर देना है, यानी कि ठीक है। तो देखते हैं, तो सिंपली ये देखें, तो इधर से रहता है, इधर से भी हो गया। तो अब इधर से क्लैरिटी ठीक करने के लिए इसको हमने इधर से इरेज कर दिया, ठीक है। तो अब हाइड करके इधर से ये अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब सिंपली हमारा फोटो हो गया डन, इधर से रहता है। अब हाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली कर देना डन और पिक्चर को हमने कर लेना सेव ड्रॉ टूल में जाकर, ठीक है। ड्रॉ टूल थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेव इमेज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने फुल बैक आ जाना और हमारा जो आज का बैकग्राउंड है ना उसको कर लेना हमने ओपन, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उधर से जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आज का बैकग्राउंड है, ठीक है। इसका लिंक मैं पहले से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, ठीक है। उधर से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। अब आपने सिंपली अपनी पिक्चर को कर लेना ऐड, ठीक है। तो मैंने अपनी पिक्चर को कर दिया ऐड, ठीक है, कुछ इस तरीके से इधर सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद सिंपली मैंने इसको कर दिया डन, ठीक है। डन करने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली फिर से मैं ऐड फोटो में जाऊंगा और इधर से ये कुछ स्मोक का पीएनजी मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। एक तो ये वाला और पहले ये वाला कर लेंगे, ठीक है। इसको रोटेट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका ब्लेंडिंग मोड कर देना स्क्रीन, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से इधर सेट कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इधर सेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, डन कर देना है। अब सिंपली ऐड फोटो में फिर से जाएंगे और अब पिंक वाला स्मोक का पीएनजी ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। इसका ब्लेंडिंग मोड हमने कर देना स्क्रीन और इसको भी कुछ इस तरीके से हमने सेट कर देना है, कुछ इस तरीके से इधर, ठीक है। अब कर देना हमको डन। डन करने के बाद सिंपली फिर से ऐड फोटो में जाना है और कुछ इधर से लेंस फेयर का पीएनजी यानी कि लाइटिंग वाला, तो इनको हमने यूज़ करना है, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर। इसको हमने कुछ इस तरीके से बड़ा करने के बाद इधर सेट करना है और इसका ब्लेंडिंग मोड कर देना है स्क्रीन, ठीक है। तो ये सेट करने के बाद इसको भी कुछ इस तरीके से सेट करना है, इधर हमने सेट कर दिया, इसका ब्लेंडिंग मोड भी स्क्रीन कर देना, ठीक है। तो इससे हमारी पिक्चर बहुत ही कमाल की लग रही है, ठीक है। इसको हमने कर देना डन। डन करने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने पिक्चर को कर देना है डन। तो ये हमारा पिक्चर बहुत ही इधर हो गया एडिट। तो सिंपली हमने ड्रॉ टूल में जाकर पिक्चर को सेव करना है, ठीक है, क्योंकि उधर क्वालिटी का लॉस नहीं होता। तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और पिक्चर को कर लेंगे सेव। तो ये हमारा पिक्चर अभी ओपन हो जाता है, ठीक है, ये ओपन हो गया। थ्री डॉट पर क्लिक सेव इमेज, ठीक है, पिक्चर हमारा हो गया सेव। तो सेव होने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में आ जाना, ठीक है। तो ये हमारा लाइट रूम प्रीमियम वर्जन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उधर से जाके इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
तो अब हमने अपने पिक्चर को लेना ऐड सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा पिक्चर है, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारा पिक्चर ओपन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इस पहले वाले टूल में जाना है और इधर से ग्रेनाइट वाला टूल यूज़ करना है और इधर से हमने ब्लैक टून देना है, पिक्चर के नीचे वाले साइड में हमने ब्लैक टून देना है। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक्सपोजर में जाएंगे और इधर से कर देंगे डार्क एक्सपोजर को कम। अब कर देना है डन। अब हमने क्या करना है, लाइटिंग वाले ऑप्शन में आना, एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाएंगे, ब्लैक्स को कर देंगे कम, ठीक है। वाइट्स को बढ़ा देंगे और शेडोज को कम, हाइलाइट्स को बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को कम बढ़ा देंगे बल्कि, ठीक है। अब हमने आना इस वाले टूल में और वाइब्रेंस को ये देखें, अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये हमारा लुक ख़राब हो रहा है, तो हल्का सा प्लस करेंगे इतना सा, ठीक है। इतना प्लस करने के बाद सैचुरेशन को भी हल्का सा प्लस, ठीक है। और टेम्परेचर को देख लेते हैं किधर ठीक रहेगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे हल्का सा। अब चलेंगे इस वाले टूल में सिंपली, तो इधर आने के बाद विग्नेट को हल्का सा कम करना, ठीक है, और क्लैरिटी को हमने बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद इस वाले टूल में आने के बाद शार्पिंग को हमको फुल बढ़ा देना है, तो इससे हम क्या होगा कि हमारे पिक्चर है ना जो वो क्वालिटी हमारा इंक्रीज होगा, तो नॉइस को भी हल्का सा बढ़ा देना है। तो ये मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर सीन दिखाता हूँ, हमारी पिक्चर लाइट रूम एप्लीकेशन में आने से पहले कुछ इस तरीके से थी, अब कुछ इस तरीके की हो गई है, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस, तो ये पिक्चर आपने कर लेना है सेव। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, तो उम्मीद रखना।